हाँ जी नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर से मैं हूँ आरजे संदीप और मेरे साथ हैं कैमरामैन पवन सोनी जी। तो दोस्तों, जैसा कि कल के दिन मकर संक्रांति है और इसकी खरीदारी बाजार में बहुत जोरों शोरों से हो रही है, युवाओं में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। भाई आप पतंग खरीद चुके हैं? हाँ सर। कितने की पतंगे खरीदी है? 400 रुपए की। 400 रुपए की? हाँ 400 रुपए। हाँ 400 एक ही के लिए तो बहुत है। 400 का है। चलिए, बाकी जो लोग हैं वो जो पतंग उड़ाने सब ग्रुप में के लिए क्या कहना चाहेंगे उनसे? आप सब मकर संक्रांति का अद्भुत दृश्य का आनंद लें, सब मजे लें, कल के दिन खूब आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए एक मैसेज मैं भी दे देता हूँ कि चाइनीज मांझों से दूर रहें और बाकी मांझा नहीं, सादा मांझा ही, सादा मांझे का प्रयोग करें और बहुत धूमधाम से पतंग का त्यौहार मनाएं। हाँ सर, पक्का आपका वादा पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, एक और हमारे मित्र हैं जो कि पतंग खरीद के लाए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ सर। हाँ सर, हमने पतंगें खरीदी है कल मकर संक्रांति, इसमें उड़ाएंगे और उसके लुफ्त उठाएंगे, मजे लेंगे खूब। और मोदी जी के राज में अच्छे मजे कर रहे हैं, मोदी जी के राज में मजे मिल रहे हैं, अच्छे से मजे ले रहे हैं भाई। मजे भी मिल रहे हैं और मांझा भी मिल रहा है। हाँ मांझा भी मिल रहा है मजे के साथ में, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। यहाँ बरेली वाला पतंग मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, 400 रुपए में 50 पतंग मिल रही है, ले लीजिए यहाँ से, आइए किसी को लेना होगा तो भाई को। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने और पतंगे खरीदी है, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। तो भाई आपने भी पतंगे खरीदी है? हाँ जी जरूर। और किस प्रकार की पतंगे खरीदी है? बरेली ली है, बरेली पतंग ओरिजिनल। अच्छा, आपको लगता है कि पतंगे इस बार कुछ महंगी हुई है? हाँ बहुत महंगी हुई है इस बार, नहीं कुछ नहीं, बहुत महंगी हुई है। अच्छा। और जो पहले जो क्वालिटी आती थी वैसी क्वालिटी भी नहीं आ रही है, क्वालिटी में भी फर्क आ रहा है थोड़ा बहुत। खैर बहरहाल उड़ाना तो है, अब वो महंगी हुई सस्ती हुई लेना है। बिल्कुल एंजॉय तो पूरा करना है मकर संक्रांति, एंजॉयमेंट पूरा करेंगे और हर साल करते आए और हर साल करेंगे भी आगे जाके। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बातें बताई आपने और वाकई में एंजॉय करना चाहिए। महंगाई कमाई तो यूं चलती रहेगी लेकिन जो एंजॉय है ना वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। उनको भी प्रोडक्ट ही महंगा मिला होगा, वो हिसाब से अपने को भी। खैर बहरहाल जो भी है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छी पतंग भी है, व्यवस्था भी अच्छी है। हम बॉम्बे से आए उड़ाने के लिए यहाँ पर। क्या बात क्या बात, हम बॉम्बे से आए यहाँ पर और हर साल आते हैं, किसी वैकेशन यही खाली मकर संक्रांति पे आते हैं बस। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप इतनी दूर से आए हैं हमारे सीकर में और पतंग उड़ाने के लिए आए हैं। तो सर एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि चाइनीज़ मांझे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बाकी सादा मांझे का प्रयोग करें और अच्छे से पतंग। हम वो मांझे के खिलाफ, हम खुद भी खिलाफ़ है और हम लिए ना पांडा मांझा लिए, वो मांझा हम चाइनीज़ मांझा उड़ाते ही नहीं, हम खुद को अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे के जानलेवा हमला हो जाता है कुछ भी कह रहा है। बहरहाल हमारे भी तो बच्चे बाहर घूमते हैं, हमारे भी पिताजी बाहर घूमते हैं, तो क्या हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपने साथ होए, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, सीकर शहर से ही नहीं गांव से भी पतंग खरीदने के लिए हमारे सीकर में आए हैं, तो आप कौन से गांव से हैं भाई? खूड से। खूड से पतंग खरीदने आए? खूड से। क्या सीकर की क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी है पतंगों की? हाँ अच्छी है बिल्कुल, यहीं से खरीदते हैं हर बार हर सीजन में। इसका कारण क्या है? पतंग अच्छी मिलती है यहाँ पे। अच्छा चलिए, और आप पूरा एंजॉयमेंट करते हैं सब मकर संक्रांति पे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। किस प्रकार से एंजॉय करते हैं? पतंग उड़ाते हैं और भी खान पीने में स्पीकर में सब। चलिए चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, के मीठे गुड़ से मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल, हर पल सुख और हर दिन शांति, सबकी हो ऐसी मकर संक्रांति। धन्यवाद। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शायरी बोली है भाई ने। और भी हमारे मित्र हैं जो पतंगे खरीद रहे हैं और अपना जो इन्जॉयमेंट है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ भाई, आपने पतंगे खरीदी है? नहीं, अभी खरीदने आए हैं सर। और कैसा है, कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो अच्छा है, वैसे भीड़ भाड़ काफ़ी है, तो बाइक बाहर खड़ी करके आए हैं। बाइक बाहर खड़ी करके आए हैं? अच्छा, हाँ जी सर। और पतंगे सस्ती है या महंगी हो रही है? अभी पता नहीं, अभी आके पूछा है इन्होंने, अब बताएंगे। चलिए, बहुत सस्ती पतंगे हैं और इन्जॉयमेंट में आप किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमने खरीदारों से बहुत सारी बातें कर ली है, अब बात करते हैं दुकानदारों से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पतंगे आप बेच रहे हैं? हाँ। कैसी दुकानदारी है आज? अच्छी चल रही दुकानदारी। बढ़िया चल रही दुकानदारी? पहले से ज़्यादा रौनक है या कम हो गई? शाम को ज़्यादा होगी। अच्छा, अभी रौनक थोड़ी कम है, शाम को रौनक तेज होगी? शाम को तेज होगी, अभी थोड़ी कम है। सर 2 साल बाद में जैसे ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, इससे पहले कोरोना काल में ऐसा कोई माहौल था नहीं? ऐसा नहीं था, मतलब कोरोना काल में इतनी बिक्री नहीं थी, अब बिक्री अच्छी बिक्री हो रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह है नज़ारा है सूरजपुर गेट से घंटाघर के बीच में और यहाँ पर पतंगों का शानदार माहौल बना हुआ है, रंग बिरंगी और बहुत अलग अलग प्रकार की पतंगे यहाँ देखने को मिल रही है। बाज़ार में बहुत ही शानदार जो माहौल बना हुआ है, लोग
बहुत आ रहे हैं और गांव से भी लोग पतंग खरीदने आ रहे हैं। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।